जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि इंसान के अंदर झलके उसे स्वाभिमान कहते हैं, कि इंसान के अंदर जो झलके उसे स्वाभिमान कहते हैं और जो बाहर झलके उसे अभिमान कहते हैं कि वो हाय गाइस, मैं कैलाश को अपने छोटे शब्दों के साथ स्वाभिमान पर कविता दो पंक्तियों से मैं साझा करता हूँ कि वो क्या देखेंगे सपने जो रात ढले सो जाते हैं, वो क्या देखेंगे सपने जो रात ढले सो जाते हैं, जो सपने देखा करते हैं वो सोने से कतराते हैं, जो सपने देखा करते हैं वो सोने से कतराते हैं, तो वो मगरूर मुसाफिर बन जो हर पल खुद से लड़ता है, जो हर पल खुद से लड़ता है, जिसके सामने उससे पल भर भी दूर नहीं हो पाते हैं, जो सपने देखे तुमने उसे सपने का सम्मान करो, जो सपने देखे तुमने उस सपने का सम्मान करो, स्वाभिमान करो, अपने बल का सम्मान करो, कभी खुद पर भी तो शान करो, अपने बल का सम्मान करो, कभी खुद पर भी तो शान करो, स्वाभिमान करो। क्यों रहते हो तुम डरे डरे, ये जब तेरा उपवास करे, ये जब तेरा उपवास करे, उसका जीना भी क्या जीना है, जो भीतर भीतर रोज मरे, अपने मन को समझा के तू, कायरता को झुटला के तू, दुनिया के नील गगन में अब आजाद पंच की उड़ान भरो, स्वाभिमान करो। तुम बस पहचान जरा खुद को, क्या नहीं है तेरे हाथों में, सब कुछ है मुमकिन सोच के चल, और बढ़ता जा सन्नाटों में, डरना क्या इस दुनिया से जब तेरी भी पहचान अलग, बस यही हौसला दिल में रख कि तू एक इंसान है, इंसान अलग, जब तेरी बारी आएगी तो पाकर ही क्या पाएगा, हर दिन ही तेरी बारी है, बस इसी बात का ध्यान करो, स्वाभिमान करो। तुम हो चतुर तुम मेहनत कस, बस थोड़ा ये विश्वास करो, स्वाभिमान करो। कहते हैं कि स्वाभिमान से बड़ा कोई गहना नहीं होता, और ये गहना हर किसी ने पहना नहीं होता। कहते हैं मेरे स्वाभिमान को अभिमान ना समझा जाए, कि मेरे स्वाभिमान को अभिमान ना समझा जाए, मेरे किए काज को अपमान ना समझा जाए। वक्त की मांग यहीं खड़ी होकर फिर से साबित करूं यही मेरा ग्राम ना समझा जाए। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि कठिन पुरुषार्थ करना सदैव जिनका काम है, वीर पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम उनका नाम है, खबर क्या मिली सीता की उस तरफ होने की, बना सेतु साबित किया कि यादस प्रेमी राम है। धन्यवाद।